हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्ते की सब्जी। यदि मेरी रेसिपी आपको आई है पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अरबी के पत्ते की सब्जी। अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है बेसन, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें थिक बैटर बना लेना है। तो इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इस बैटर को बनाना है, जिससे कि एकदम पतला बैटर ना हो और बेसन भी जो हमारे हैं अच्छे से घुल जाए, उसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। तो ये देखिए हमने इतना थिक बैटर को बना लिया है। तो मैं इसमें यहाँ पे हल्दी डालना भूल गई हूँ, तो अब इसमें यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और इसको हम भी कर लेते हैं मिक्स। तो बस देखिए इतनी कंसिस्टेंसी का ही बैटर हमें बना लेना है। तो ये देखिए मैं स्पून से दिखाती हूँ, इतना थिक हमें बैटर को बनाना है। अब हमने लिया है यहाँ पे अरबी के पत्ते, तो मैंने यहाँ पे 6 अरबी के पत्ते लिए हैं। मैंने पत्तों को पानी से अच्छी तरह से धुल के उसे साफ कर लिया है। तब हम एक पत्ते को लेंगे और इसे हम उसके बैक साइड में यानी कि उसके पीछे साइड में जहाँ पे डंठल होता है उस साइड को हम इसे पकड़ के एक साइड से चाकू की सहायता से खींच देंगे, जिसके ऊपर से जो यहाँ पे मोटा वाला थोड़ा भाग होता है वहां से जो रेसे हैं वो हट जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा कट कर लेना है और ऊपर के साइड में भी ऐसे कट करके हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जिससे कि वो ऐसे प्लेन हो जाए, वहां पे थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। तो इसी तरह से हम सभी पत्तों को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम पत्ते के एक साइड यानी एक पत्ता लेंगे, उसके बैक साइड में हम इस तरह से ऐसे बेसन वाला जो हमने घोल तैयार किया है उस पर हम ऐसे अच्छे से फैला देंगे। तो बस इस तरह से हमें पूरे पत्ते पे अच्छे से फैला लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम दूसरा पत्ता लेंगे और दूसरे पत्ते को हमने जिसे नीचे वाले पत्ते को हमने जिधर नीचे रखा है इस पत्ते को हम वो उस वाला साइड ऊपर को रखेंगे और इसके भी पिछले साइड में हम अच्छे से बेसन का जो हमने घोल तैयार किया है उसे हम लगा लेंगे। तो इस तरह से फिर से हम पूरे पत्ते को अच्छे से कवर कर लेंगे, यानी कि पूरे पत्ते पे ही ऐसे में बेसन का फैला लेना है बेसन को। अब हम फिर से एक पत्ता लेंगे और फिर जिस साइड को हमने उस दूसरे पत्ते को ऊपर की साइड रखा है अब इस पत्ते को हम नीचे की साइड रखेंगे और फिर से हम इस तरह से इसे फैला देंगे। इसके ऊपर हमने अच्छे से बेसन को फैला लिया है। अब हम इसके एक साइड से इसे मोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से इसे मोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से फैलाते हुए हम इसे मोड़ लेंगे। तो बस ये देखिए एक रोल को हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। इसे एक प्लेट में रखेंगे हम, फिर से हम दूसरा रोल भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो 3 पत्तों को हमें एक साथ ऐसे चिपका के एक रोल को तैयार कर लेना है। तो बस इसे हम एक प्लेट में रखते हैं, इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी तैयार करते हैं। तो मैंने दूसरे रोल के लिए भी अच्छे से बेसन को लगा लिया है। अब इसे भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो बस इस तरह से ही पत्तों को हमें फोल्ड कर लेना है। आप जितना भी रोल बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा है जिसमें हम स्टीम करेंगे तो उस पर नहीं आएगा, तो मैं बीच से ऐसे कट कर लेती हूँ जिससे कि हमें स्टीम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने रोल को बना के तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे इस तरह की एक जाली या फिर आप जाली वाली थाली जो होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लेट ले लें। तब इसके ऊपर हम ऐसे रोल को रख लेंगे और इसे हम स्टीम होने के लिए रखेंगे। तो स्टीम होने के लिए करने के लिए हमने यहाँ पे भगोने में पानी को रखा था गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा देखिए गर्म हो गया है, बस इसमें बॉयल आना ही बाकी है। तो इसको हम ऐसे ऊपर जो हमने जाली को पे पत्तों को रखा है उसको हम ऐसे रख लेंगे और बस अब इसे हम ढक देंगे। तो बस इस तरह से हम इसे एक साइड से स्टीम होने देंगे और थोड़ी देर ढक्कन हटाएंगे, हम चेक कर लेंगे अच्छे से स्टीम हुए हैं नहीं, यानी कि एक साइड से जब स्टीम हो गया होगा तो हम इसके दूसरे साइड में इसे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे टर्न कर लिया एक साइड से, अब ये स्टीम हो चुके हैं और दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से स्टीम कर देंगे। तो 12 से 15 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को करने में।
तो फिर से इसे हम ढक देंगे और फिर से हम अच्छे से इसे स्टीम होने देंगे दूसरे साइड में भी। तो बस थोड़ी देर बाद हम ढक्कन को उठाएंगे और इसे हम चेक करेंगे अच्छे से स्टीम हुए या नहीं। तो बस अच्छे से स्टीम हो गए होंगे तो हम इसे गैस को ऑफ कर लेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। यदि अच्छे से स्टीम ना हुए हो तो फिर से इन्हें एक बार ढक लें और अच्छे से इन्हें स्टीम होने दें। तो ये देखिए बेसन अब हमारा अच्छे से पक गया है, यानी जो अपने पत्ते को इसे फोल्ड किया था वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे गैस को ऑफ कर लिया है और अभी ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हमें पत्तों को अच्छे से स्टीम कर लेना है जिससे कि हमारी सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बस अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो गया है, निकालने में हमें आसानी होगी। तो बस अब हम इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए पत्तों को इसे प्लेट में निकाल लिया है, अभी हो गए हैं अच्छे से ठंडे। तो हम इन्हें पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से हमें ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पत्ते जो है स्टीम होके तैयार हुए हैं। अब हम करेंगे पत्तों को फ्राई। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डालकर रखा है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हमने जो पीसेस में कट किया है पत्तों को उसको हम यहाँ पे डाल लेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इसे उलट पलट कर यानी कि एक दूसरे साइड में टर्न करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए इसी तरह से ऐसे टर्न कर लें दूसरे साइड में और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो बस देखिए अच्छे से फ्राई हो गए तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पत्ते को यानी पीसेस को जो हमने कट किया उसे फ्राई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए मसाला लिया है। तो हमने मसालों में लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, साथ ही हमने लिया है लहसुन की कुछ कलियां, 2 लाल मिर्च साबुत, धनिया हमने साबुत धनिया लिया है, साथ ही हमने लिया है जीरा और हमने लिया है सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स। तो हम यहाँ पे जीरा को और धनिया को उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, साथ ही उसमें लाल मिर्च को भी डालकर हल्का सा रोस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन को रखा है गर्म होने के लिए, इसमें हमने साबुत धनिया और जीरा को डाल लिया है, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे मसालों को रोस्ट करके जरूर बनाएं। तो बस हल्का सही से हमें रोस्ट करना है। अब इसमें हमने जो 2 साबुत लाल मिर्च लिया है उसको भी डाल देंगे। यदि मिर्च बहुत ज्यादा तीखी हो तो उसके अंदर से बीज को निकाल दें। तो मैंने यहाँ पे मिर्च तीखी है तो मैंने उसके बीज को निकाल दिया है और हल्का सही मिर्च को भी हम इसके साथ में रोस्ट कर लेंगे। तो बस अब ये हो गया है रोस्ट, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने के बाद हम सभी मसालों के साथ में इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बस इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो जीरा और धनिया मिर्च को रोस्ट किया है उसको निकाल लिया। सभी मसालों को हम बारीक पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि ये सब्जी जो है वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हो सके तो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। तो बस तेल हमारा हो गया अच्छे से गर्म, तो इसमें हम डाल लेंगे जीरा यानी कि जीरा का हम तड़का लगाएंगे। बस जीरा अच्छे से मेरा चटक जाएगा तो इसमें हम तैयार किए हुए मसालों को डाल लेंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है तो इसमें हम मसाले को डाल लेते हैं और मसालों को हम ऑयल के साथ में अच्छे से भूनेंगे, यानी कि मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये ऑयल को छोड़ न दे, यानी कि मसाले जो है वो ऑयल से अलग ना हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। मसाले अच्छे से पकेंगे तभी तो हमारी सब्जी जो है वो एकदम टेस्टी बनेगी। तो अभी यहाँ पे हमने डाल लिया हल्दी पाउडर, अब इसे लगातार हम चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो अरबी के पत्ते की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, तो मैंने उस समय उसमें अरबी के पत्ते के साग की रेसिपी शेयर की है जिसको कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो यदि आपने उस रेसिपी को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां पे चेक कर सकते हैं।
तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो बस जितनी ग्रेवी रखनी हो उस अनुसार पानी को डाल लें। तो बस अब इसमें हम यहाँ पे पानी को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पानी को डाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो बस एक बार इसे मिला देते हैं और इसे हम ढक देते हैं, अच्छे से इसमें उबाल आने देते हैं। तो बस सब्जी में आ गया अच्छे से उबाल, यानी कि अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, साथ ही हम डालेंगे अमचूर पाउडर। और एक बार फिर से हम ढक देंगे और अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। तो बस देखिए फिर से इसमें उबाल आ गया है। तो फिर से हम लिड को हटा लेंगे और इसमें हमने जो अरबी के पत्तों को फ्राई किया है, यानी कि जो हमने उसे पकौड़े बनाए हैं, उसको हम यहाँ पे डाल लेंगे। और एक बार फिर से इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो बस 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएं। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे एक बार फिर से हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो बस 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन को हटाएं और सब्जी को सर्व करें। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी एकदम तैयार है बनके। तो बस गर्मा गर्म सब्जी को सर्व कीजिए, रोटी पराठे चावल किसी के भी साथ, तो इसे एंजॉय कीजिए। तो आप भी सब्जी की रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ये सब्जी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हम एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।